ग्रामीण सड़क मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। शिक्षा व्यवस्था, आप लोग रोज कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, तो शिक्षा मंत्री आरजेडी का मंत्री चंद्रशेखर जी है। तो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है, जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि लोग ये देख पाएं कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है और कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं, कैसे बिहार की व्यवस्था को सुधारते हैं। और उसके आधार पर 25 में उस पर मत पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए भी बेहतर होगा। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पर तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं, तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। सर आप यात्रा जो है पॉलिटिकल है क्या? आने समय पॉलिटिकल रूप लेगा भाई? यात्रा जो है वो बिल्कुल सामाजिक है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। हम लोगों का मानना है कि बिहार की जो स्थिति है, अगर इसको सुधारना है तो कोई एक व्यक्ति या दल अकेला इसको नहीं सुधार सकता है। बिहार अगर सुधरना है तो वार्ड सदस्यों से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक हर जगह पर सही लोगों के चुनकर लाए जाने की जरूरत है। और इसका मतलब है कि करीब करीब 1.5 लाख लोग जो जनप्रतिनिधि अलग अलग स्तरों पर चुनकर आते हैं, वो सब जगह पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि समाज के सही लोग हैं, और उनको उस जगह पर लाकर जिताकर जनता की मदद से लाया जाए, ताकि बिहार की व्यवस्था को सुधारा जा सके। ये पूरा जो जन सुराज अभियान है उसका एक उद्देश्य ये है कि समाज से ऐसे लाखों लोगों को चुनकर निकाला जाए जो समाज के सही व्यक्ति हैं, उनको वो विकल्प, वो प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके जरिए वो चुनाव लड़कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा बन सके और बिहार को सुधारने की दिशा में अपना योगदान दे सके। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों लड़के